अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा सईद अब्बासी, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी एंड डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड प्योर साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जब भी आपने कोई डेफिनेशन लिखनी है तो ये लाजमी मेंशन करना है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है। अब जितने इमोशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, मेंटल इलनेसेस होती हैं, उसको हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है या उनको कौन सी फील्ड की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, दोनों की डेफिनेशन क्या है और दोनों में कौन कौन सी ब्रांचेस को स्टडी किया जाता है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए या आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल साइकोलॉजी क्या है। जनरल साइकोलॉजी को प्योर साइकोलॉजी भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं जनरल साइकोलॉजी में, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी में देखें तो जितनी भी थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, उनको जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर देते हैं तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी बन जाती है। सिंपल वर्डिंग में प्योर साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी हमारे पास थ्योरेटिकल बेसिस है जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में जब हम साइकोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर देते हैं, तो वो हमारे पास अप्लाइड साइकोलॉजी बन जाती है। अब देखते हैं कि दोनों की ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो अगर प्योर या जनरल साइकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास सोशल साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी है, जियो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और इस तरह की ब्रांचेस जितनी भी हैं जहाँ जहाँ हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे पास अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। तो बहुत से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी में जाना चाहिए या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहिए। तो अब आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि जनरल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि अप्लाइड साइकोलॉजी वर्सेस क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है और दोनों में से कौन सी बेस्ट है और आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। थैंक यू।